सो हेलो एचआर सर्विस फैमिली, कैसे हो सभी। तो आज हम लेने जा रहे हैं अपनी राइडिंग जैकेट, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, मैंने संडे राइड वीक कर चुका हूँ मैं, बट ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। तो हम लेने जा रहे हैं अपनी राइडिंग जैकेट और ग्लव्स, जो कि है करोल बाग में जा रहे हैं, ठीक है। सो आपको वहाँ पे मैं पूरा मतलब दुकान शॉप है वो दिखा दूँगा, कैसी क्या शॉप है और किस क्या टाइप की कैसी क्या राइडिंग जैकेट मिलेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए आपको मिलते हैं डायरेक्ट अब सीधा करोल बाग में। सो ये कुछ ऐसी शॉप है, तो आपको दिख रहा होगा हर जगह राइडिंग जैकेट ही जैकेट है यहाँ पे। तो अगर किसी भी बंदे को भाई राइडिंग जैकेट चाहिए तो करोल बाग में जाकर ट्राई कर लेना। और वीडियो के जो मैं जो स्पीड है वो मैं थोड़ी फास्ट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर फास्ट नहीं करूंगा तो मैं, तो इसलिए मैं वीडियो की जो स्पीड है उसको फास्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग बोर ना होए और आपको पूरी चीज़ इसमें दिख जाए। तो मैंने दो तीन तरीके की इसमें राइडिंग जैकेट वगैरह पहन कर देखी है, तो चलिए बताता हूँ आपको कैसे क्या है। अभी ये भाई हमको बता रहे हैं कि भाई कैसे क्या टाइप की जैकेट यहाँ पे है। तो मैंने इनको बोल दिया था कि भाई मेरा बजट इतना है, और मैंने कलर वगैरह भी बोल दिया था इनको। तो अभी ये आपको क्या करना है, अगर आप जाते हो कहीं पे भी जैकेट वगैरह लेने के लिए, तो आप सबसे पहले तो अपना बजट बता दो उनको कि भाई मेरा बजट इतना है, मेरे को इतने बजट के अंदर मेरे को जैकेट चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनको बोल रहा हूँ भाई मेरे को ऐसी वाली जैकेट दिखाओ जिसमें थोड़ी ब्लू कलर की स्ट्रिप भी हो और ब्लैक भी हो, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होगा, जो अपने भाई हैं सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा अपने पास ब्लू कलर की R5V3 है। तो मेरे को उसके मैचिंग के ही कोई राइडिंग जैकेट चाहिए थी, क्योंकि मेरा हेलमेट वगैरह भी ब्लू कलर का ही है, और मैंने बाइक में जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह करवा रखी है वो भी कहीं ना कहीं ब्लू कलर के ही मैंने अलग से आफ्टर मार्केट पार्ट बाइक में लगवा रखे हैं, ठीक है। तो कम्प्लीटली मैंने बाइक को ब्लू कलर का ही रखा है। तो जैकेट मेरे को ब्लू कलर की चाहिए थी, बट भाई ने बोला था कि ये वाली जो जैकेट दिख रही है आपको सिल्वर रेड का, जो इसमें मैक्सअप आ रखा है, तो इन्होंने बोला था आप ये ट्राई करके देखो, ये लेटेस्ट फैशन चल रहा है। तो मेरे को तो यार देखो सच बताऊँ तो मेरे को ये पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरे को कलर जो था इसका मेरे को ब्लैक और ब्लू में ही चाहिए था। बट फिर भी मैंने ट्राई करके देख लिया, अगर भाई ने बोला था कि ट्राई करके देख लो आप, अच्छा लगे तो ही लेना, कोई वो नहीं है। तो मैंने ट्राई करके देख ली थी कि कैसे क्या है, तो फिटिंग अच्छी थी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी, बट मेरे को वही बात है, मेरे को लेनी ही ब्लू ब्लैक थी। तो ये कुछ ऐसी थी फ्रंट से, और बैक से कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो जिनके पास भी सिल्वर रेड की अगर कोई कम्बिनेशन की बाइक है तो उनके लिए बेस्ट जैकेट यहाँ पे कह सकते हैं हम, ठीक है। और ये कौन सी कंपनी की थी वो तो मेरे को अभी आपको बता देता हूँ मैं। सो ये जो जैकेट थी वो मस्कुलाइन कंपनी की थी, जो कि इतनी ठीक नहीं है और इतनी वो भी नहीं है, मतलब मीडियम कंपनी है। तो मेरे को पहले से ही था कि भाई मेरे को टर्मैक की लेनी है, और ब्लू एंड ब्लैक की टच में मेरे को लेनी है, ठीक है। मतलब ब्लैक जैकेट है उसमें ब्लू की टच में मेरे को लेनी है। तो अभी मैं जो जैकेट ट्राई करके देख रहा हूँ ये मेरे को पसंद आ गई थी, बट इसका जो साइज़ था ये साइज़ थोड़ा छोटा था, ठीक है। बट मेरे को जैसी चाहिए थी वैसी मेरे को ये आ गई थी, टर्मैक की है। और मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम भाई निकाल के लिया था तभी मेरे को लग गया था कि हाँ यार ये ही है जो मेरे को चाहिए था। सो ये साइज़ थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइट हो रहा था बैक में भी हाथों में भी, तो इस वजह से मैंने इसका एक थोड़ा साइज़ बड़ा मंगाया था। आप दिख रहा होगा आपको साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही टाइट था ये वाला, ठीक है। तो अभी तो आपको लग नहीं रहा होगा टाइट है, बट जैसे ही मैं बाइक वगैरह पे मैंने बैठ के देखा इसे, तो कहीं ना कहीं मेरे को अनकम्फर्टेबल सा हो रहा था। तो देन मैंने ये था एल का, तो मैंने एक्सल ले लिया था इसका, ठीक है। तो ऐसी ये कुछ जैकेट है, और इसके बाद ये अपनी आती है वैनम वाली, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका, ठीक है। मैंने इधर पहन लिया है, तो वैनम वाली जैकेट है ये भी, मेरे को एक भाई ने सजेस्ट की थी, बट इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आई। और बता दूँ आपको, जो भी मैं जैकेट मैंने पहन के दिखाई है आपको, ये लेवल 2 की जैकेट है, और ये अराउंड 6 to 8K के बजट के अंदर आती है, ठीक है। 6 to 8K का इनका बजट था दोनों, इन तीनों का, तो इन तीनों के अंडर थी। बट मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई है वैनम वाली यार, ना ही इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, और ना ही जो इसमें प्रोटेक्शन वगैरह दे रखे थे वो भी मेरे को कहीं ना कहीं अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने रिजेक्ट कर दी थी। बट मैं कन्फ्यूज था इन दोनों में, एक तो ये टर्मैक वाली में और मस्क्यूल वाली में, ठीक है। क्योंकि मेरे को उस वाली की यार मतलब कलर अच्छा नहीं था, बट बिल्ड क्वालिटी मेरे को उसकी अच्छी लग रही थी, बट लेनी मेरे को यही थी और मैंने फिर यही बाय कर ली। और देख सकते हो ये कैसी क्या लगती है, ब्लैक और ब्लू का इसमें कम्बिनेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो हाथ के जो स्ट्रिप है वो दूसरी राइट वाली वो थोड़ी हल्की हल्की पर्पल टाइप की है, दूसरी वाली थोड़ी लाइट ब्लू में, ठीक है। देन उसके बाद हम चले गए थे ग्लव्स लेने। ग्लव्स यहाँ पे मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा था यार बाइक से मैचिंग या जैकेट से मैचिंग ब्लू लूँगा,
बट उनके पास ऐसा कोई अच्छा ग्लव्स नहीं था, तो फिर मैंने प्रो बाय करके ही ले ली थी। आपको दिख रहा होगा जो फिलहाल मैं पहन रहा हूँ, मैंने यही ग्लव्स बाद में ले लिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को उन जो भी भाई ने दिखाई थी ग्लव्स, उनमें मेरे को इनकी क्वालिटी अच्छी लगी थी, बट ये क्वालिटी भी इतनी हाई नहीं है प्रो बाइकर की, और भी अच्छे अच्छे ग्लव्स आते हैं। तो अपना अभी स्टार्टिंग है, तो मैंने एज अ बिगिनर ये ले ली थी, बट अभी और अच्छे इनको अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है, कुछ दिनों बाद। उसके बाद ये शॉप में मैं चला गया था, मेरे को क्या था कि बाइक पे टैंक पैड वगैरह लगवाना था, तो यहाँ पे करोल बाग शॉप थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किचन वगैरह सब कुछ मिलता है, और यहाँ पे हमने अपना टैंक पैड सेलेक्ट कर लिया था, जो कि अब दिख रहा होगा। इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी थी 450 के समथिंग में, ठीक है, और जो लगाने वाला था उसका 100 RS अलग से था, तो मतलब 550 का कुछ पड़ा था मेरे को। और इस शॉप में यार अगर आपको कोई सी बाइक है, आपको कुछ भी अगर कुछ भी लेना है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है लोगों, किचन वगैरह, तो यही था। और उसके बाद भाई मेरे को बाइक के व्हील में स्टिकर भी करवाना था, स्क्रीन वगैरह करवानी थी, तो यहीं पे पास में क्या गलती है, तो भाई ये तो बहुत तगड़ा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मैंने इनको बोला था कि मेरे बाइक के व्हील स्टिकिंग करा दो, तो ये बोलते हैं चलो ठीक है, मैं बाहर जा आपके आपकी बाइक का मतलब स्केल से मार्क वगैरह कर लेता हूँ कि कितना क्या लेना पड़ेगा ये, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है अंकल जाके ले लो। तो फिर ये अंदर आके बोलते हैं कि भाई इसका जो स्टिकर है फ्रंट टायर को बैक टायर का, वो 1800 रुपये का लगेगा। तो मैंने सुनते इनको बोल दिया था कि अंकल ठीक है मेरे को नहीं करना ना, आप रहने दो। तो भाई ध्यान से करोल बाग में जाओ, तो आपको किसी के साथ जो भाई जान पहचान वाला हो, किसी को नॉलेज हो, उसको लेके जाना, वरना आप स्कैम हो जाओगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो होगी अपनी संडे राइड की, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।